नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोल्टू और आप देख रहे हैं हमारा गोल्टू न्यूज। नए मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित एक समाचार पर गौर फरमाने की कोशिश करूंगा। क्या आपने पॉल्यूशन कराया? ये सेंटेंस कैसा लगा आपको? आपने पॉल्यूशन कराया यानी कि पॉल्यूशन जांच केंद्र पर जाकर पॉल्यूशन नहीं होने की सर्टिफिकेट ली आपने? जी हाँ, नहीं होने की, प्रदूषण आपकी गाड़ी में नहीं हो रही है, इसके सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें पास के पॉल्यूशन जांच केंद्र पे जाना पड़ता है, प्रदूषण जांच केंद्र पे, जो हमें एक आधे पन्ने की एक सर्टिफिकेट देते हैं और उनकी सर्टिफिकेट ऑथराइज होती है सरकार के द्वारा कि इस गाड़ी से अब कोई वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। जिन केंद्रों पे दिन भर में 10 से 15 गाड़ियां नहीं आती थी, आज उन केंद्रों पे 300 से ज़्यादा वाहनें आ रही हैं, लोगों की लंबी कतारें खड़ी हो रही हैं वहाँ पे। पता नहीं लोग पहले क्यों नहीं कराते थे, ये अलग बात है। अब तो पॉल्यूशन आपको बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि इंश्योरेंस कराने आप जाएंगे अपनी वाहनों के, तो उससे पहले आपसे प्रदूषण जांच केंद्र का एक सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। सवाल है, जांच हम क्यों कराते हैं? पॉल्यूशन के जांच की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को जांचने के लिए वाहनों के जांच की ज़रूरत होती है। अगर ये ज़्यादा निकलेंगे तो प्रदूषण ज़्यादा होगा और स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है इससे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों ज़्यादा पैदा लेते हैं? जब गाड़ियों के पिस्टन पे मोबिल ज़्यादा आने लगता है तो धुआं ज़्यादा निकलती है गाड़ी से, और जब ज़्यादा धुआं निकलेगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, तो आपकी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है। पर शायद आपने किसी प्रदूषण जांच केंद्र से फेल सर्टिफिकेट लिया हुआ किसी गाड़ी को निकलते देखा होगा। सवाल उठता है, ये प्रदूषण जांच हम क्यों कराते हैं? दोपहिए में इसकी मात्रा 3.5 होनी चाहिए। आप तो प्रदूषण जांच केंद्र गए, आपकी सर्टिफिकेट निकल गई, उस पर बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में PASS पास सर्टिफिकेट आपको दे दिया गया, तो क्या ये सर्टिफाई करता है कि आपकी वाहन जो है प्रदूषण नहीं करती है? ये तो पहले से फिक्स सर्टिफिकेट है, फिक्स सॉफ्टवेयर है जो आपको एक खाना पूर्ति करके एक सर्टिफिकेट आपके हाथ, आप उसे खुशी खुशी लेकर निकल जाते हैं कि अब कोई जुर्माना नहीं होगा। तो सवाल उठता है, इस सर्टिफिकेट का क्या औचित्य है जब ये सभी को पास सर्टिफिकेट दे रहे हैं? ऐसे में क्या हमारा देश, हमारे आसपास प्रदूषण कम हो जाएंगे? दूसरी बात, इस सर्टिफिकेट में आपकी डिटेल्स आदि अधूरी भरी जाती है। कृपया जांच करवाने के बाद अपनी गाड़ियों की उसमें डिटेल्स सही से जांच लें। तो सवाल उठता है ये कि ऐसे सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता, और इस सर्टिफिकेट के नहीं रहने पर एक सेकेंड हैंड बाइक और स्कूटर के प्राइस का फाइन होना क्या जरूरी है? नए मोटर व्हीकल एक्ट से कोई नाराज नहीं है, पर फाइनों के बहुत ज़्यादा होने से थोड़ी नाराजगी जरूर है। हेलमेट हमारे आपके सुरक्षा के लिए होता है, कम से कम अब 30-40% लोग तो हेलमेट पहनने लगे हैं जहां नहीं पहनते थे, अभी भी जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। झारखंड के सिमडेगा में वाहन जाँच के दौरान 2 बाइक सवार जाँच से बचने के लिए भागे और उनकी वाहन दीवार से टकराई और दोनों की मौके पे ही मौत हो गई। बाद में पता चला उन्होंने न हेलमेट पहनी थी, न उनकी गाड़ी की कोई रजिस्ट्रेशन की कागजात दी थी। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए है, हेलमेट पहने, अधिक से अधिक नियमों का पालन करें, सुरक्षा बढ़ेगी, इसकी परसेंटेज बढ़ेगी। मोटर व्हीकल आने का बहुत सारा कारण है सरकार को लाने का, दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही थी। जाते जाते क्या एक बार फिर आपने पॉल्यूशन कराया? और एक जांच केंद्र पे लिखा हुआ था यहाँ पॉल्यूशन होता है, ये वाक्य अपने आप में ये दर्शाता है
कि ये सर्टिफिकेट आपको कितनी ज़रूरत की है। नियम बनाने वाले को ध्यान देने की ज़रूरत है, हेलमेट जरूर पहने आपकी सुरक्षा के लिए है, आरसी और इंश्योरेंस आपकी गाड़ी की रक्षा के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल गोल्टू न्यूज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाड़ी चलाने का आनंद लीजिए, उसे मजबूरी ना समझिए, हेलमेट जरूर पहनिए।